वेलकम बैक टू आवर चैनल द कपल स्केट। सो हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ फिर से। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस वीडियो के लिए, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट वीडियो था उसका एक्सपीरियंस हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा था। अगर आप लोगों ने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को विजिट कीजिए और हमारे पहले वीडियो को डेफिनेटली दीजिए। तो आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं पवन सिंह के इस सॉन्ग पे। मुझे उतना आइडिया नहीं है, आगे की बातें ये बताएंगे। हाँ बिल्कुल, तो आज जो हम लोग हैं पवन सिंह का एक बहुत ही प्यारा सा जो सॉन्ग है वो 9 दिन पहले ही रिलीज हो चुका है, पर एक्चुअली कल हम लोगों ने रात में डिसाइड किया कि इस पर रिएक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 9 दिन से ये गाना जो है बन चुका है और अभी नंबर 2 ट्रेंडिंग भी है। इतना प्यारा गाना है कि आप सुनोगे, सुनने के बाद आपको पता चलेगा बहुत ही प्यारा गाना है और थोड़ा सैड सॉन्ग है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो वीडियो पे एकदम बने रहना और पूरा वीडियो देख के जाना। और हाँ, थैंक यू सो मच कल के वीडियो के रिस्पॉन्स के लिए, क्योंकि अभी हम लोग का सब्सक्राइबर बेस नहीं है और आप लोगों ने मतलब अपने हिसाब से अच्छा ही रिस्पॉन्स किया, तो उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। तो चलिए अब सीधा बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। वाइफ का कॉल आ रहा है, देखो बार बार बेचारा कॉल को कट कर रहे हैं, शायद मीटिंग में बिजी है। लग तो नहीं रहा है मीटिंग है, इग्नोर किया जा रहा है पार्टनर को। अरे तुम्हारे सिवा वो होने के बाद रिग्रेट आता है, पहले नहीं होता है, पहले तो इग्नोर किया जाता है। सुना लग रहा है सॉन्ग पहले। आवाज में उसके जो कि दम भोजपुरी में उसको स्वच्छ की सुना है, शायद आपको पता होगा। जी शायद लग रही पवन सिंह ने गाया है ना। हाँ, इनका जो पहला सॉन्ग था वो लॉलीपॉप पूरा वर्ल्ड वाइड। ओ हाँ, मैंने सुना है। हाँ, साउंड तो बहुत अच्छा है इनका ना। तो कपल अच्छे लग रहे हैं आफ्टर 3 मंथ। तो रोमांटिक जी। 6 मंथ
काफी मतलब चेंज आया है इतना हर चीज में। वही तो, मैंने तो सोचा ही नहीं था। एकदम मुझे हिंदी गाना मन रहा है, उस टाइप से अभी भोजपुरी गाना भी बनने लगा है। एक साल बाद शायद होप है कि अभी वो ठीक हो जाए। हाँ ना, फोन नहीं उठाने का वो पछतावा है जो मोटा दिया जाके तो शादी को समझ में आता है वो चीज़। चलो एंडिंग अच्छा है मतलब। हैप्पी एंडिंग। अभी बंदा को रियलाइज हुआ सॉरी बोल रहा है। तो ये रहा हमारा सॉन्ग और शायद हाँ शायद एंडिंग इसका बहुत अच्छा था। इसके वजह से इसका जो नौ दिन हो गया फिर भी सेकंड नंबर पे ट्रेंड कर रहा है ये। और वैसे भी पवन सिंह का वो मतलब गाना का बात ही अलग है यार। वो हमेशा आप कभी भी देखोगे ना तो उनका गाना जो है ट्रेंडिंग ही करता है। और ये गाना काफ़ी स्पेशल था, तो आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा। बहुत ही प्यारा गाना यार, जाओ अगर आपने नहीं देखा है तो इसको देखो। हाँ, इसका ओरिजिनल लिंक जो है वो हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, है ना। तो बहुत ही मज़ा आया और शायद तुमको भी मज़ा आया। तुम्हारा क्या ओवरव्यू है इसके लिए, ये गाना कैसा लगा? बहुत रोमांटिक है जो है वीडियो, बहुत रोमांटिक है। और हाँ, इसमें एक मोरल भी दिया गया है कि कभी भी अपने पार्टनर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर पता है कि पार्टनर को मतलब बुरा लग रहा है तो कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। वीडियो बहुत अच्छा लगा, इसका बनाने का जो था पर्पस बहुत अच्छा था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। और अब जैसे कि बोल रहा था हम लोग कि काफ़ी अच्छा है यार भोजपुरी का, वो पहले वाला नहीं रहा जिस कल भी हम लोगों ने देखा था। और सब कुछ जो है वो चाहे वो पिक्चर क्वालिटी है चाहे वो गाने का तरीका है वो सब कुछ जो है चेंज हो चुका है पहले वाला भोजपुरी नहीं है, तो बहुत अच्छा लगा। तो इसीलिए हम लोगों ने सेकेंड दिन भी जो है वो भोजपुरी को ही मतलब सोचा कि भोजपुरी पर ही रिएक्ट करते हैं। तो चलिए, आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर गाना को देखना चाहते हैं तो इसका ओरिजिनल जो लिंक है हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।